नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्या, इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि कल रात को अगर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर जिस तरीके के माहौल वहां पर क्रिएट किया गया था, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस जो वहां पर किसान बैठे हुए थे उन पर प्रेशर बना रही थी कि वहां से उनको खाली कराया जाए। और जिस तरीके से अगर हम राकेश टिकैत की बात करें, वो मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने वो रो पड़े और उन्होंने ये कहा कि अगर पानी पीऊंगा तो गाँव का पीऊंगा, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। आज आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार लाइव दिखा रहे हैं टिकरी बॉर्डर से कि किस तरीके से किसान राकेश टिकैत की एक आवाज पर सारा इकट्ठा हो गया। चाहे हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, सिद्धू बॉर्डर की बात करें, चाहे हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां पर आज जो किसान एकता है वो दिखाई दे रही है। मैं एक बार अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ का नजारा दिखाए कि जिस तरीके से यहाँ पर तिरंगे हाथ पर लिए हुए हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा है कि हमने तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया है। हम अभी टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। बाबा, आप कई दिनों से यहाँ पर हैं, जिस तरीके से हालात थे 26 जनवरी को लेकर कहा गया कि जो लाल किले में हुआ नहीं होना चाहिए था और तिरंगा वहां पर जिस तरीके से अपमान किया गया, आप क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? वो आरएसएस का बंदा था और सरकार ने जबरदस्ती झंडा फहरवाया गया उससे, किसानों का उससे कोई लवालेस नहीं, किसान उसमें इनवॉल्व नहीं है, नाम उसका के पीछे है। वो आरएसएस का बंदा था, उन्होंने अपना झंडा फहरवा दिया हमें बदनाम करने के लिए, अगर भाई आंदोलन खत्म हो जाए और कुछ नहीं है। आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? सुखबीर मातन से। अच्छा, जैसे कि इन्होंने कहा कि बदनाम करने की कोशिश की गई किसानों को, और कल जैसा माहौल था गाजीपुर बॉर्डर पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कई किसान नेताओं ने जो अपनी बागडोर किसान आंदोलन में पकड़ी हुई थी वो पीछे खींची और वो लोग वापस चले गए, लेकिन राकेश टिकैत की एक आवाज से और आंसुओं से पूरे किसान, चाहे वो उत्तरांचल का किसान हो, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, वेस्टर्न यूपी का किसान हो या पंजाब का किसान हो, सारा इकट्ठा यहाँ पर हो चुका है। हालांकि यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, ये लोग काफी परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम क्या है, कितने दिनों से यहाँ पर हैं और किस गांव से ताल्लुक रखते हैं आप? मांडोठी गांव से ताल्लुक रखता हूँ, राजेंद्र मेरा नाम है। दो बिन्ने कूद गए हैं और ये जो लाल किले पर झंडे आज कर करे हैं, किसान लाल किले का राह नहीं पावे, उनमें के आदमी थे बदनाम करता है। जब बर्थपरिया ने कवाड़ तोड़े, जब मान सड़ाकर ने कवाड़ तोड़े थे हाथी ने, अरे दो रिंगटा ने खोल दिए वे, की बात के खुल गए वे, हाथिया ने कवाड़ नहीं खोल रहे थे, अरे दो रिंगटा ने खोल दिया। ये सब अमित शाह की चाल से, अरे मोदी चाल। जय किसान, जय जय जवान, जय किसान। किसान भी सामने था, जवान भी सामने था, दोनों को नुकसान हुआ। एक मिनट, फिर काका बेटा, बाप बेटा, भाई भाई बढ़ा दिए न, और पहाड़ इतनी कड़ी इनके लेकर भाज गए। नू नहीं बेरा, मारे भाई ने जो आंसू लकड़े है ना, वो आंसू का एक एक टोपे का बदला लेंगे, एक एक टोपे का। राकेश टिकैत कल रो पड़े, कल रोते रोते कहा किसानों पर अत्याचार हो रहा है, नहीं सहूंगा, जो जा रहा है तो जाए, आखिरी दम तक लड़ूंगा, आत्महत्या भी करूंगा, लेकिन पानी पीऊंगा तो गाँव का पीऊंगा, यहाँ का पानी नहीं पीऊंगा। राकेश टिकैत की एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। और ये कह रहे लाल किले का, लाल किले का तो सबसे दोषी मोदी है, जिसने डालमिया को गिरवी रख दिया, तो लाल किला क्या छोड़ा इसने? ये धरोहर थी, ये देश की नहीं रही, ये एक आदमी की होगी, एक सेठ की होगी धरोहर। लाल किला क्या नाम ले रहा है, क्या नाम ले रहा है लाल किले का? लाल किला जिसने गिरवी रख दिया। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी में जिस तरीके से किसानों ने उर्धंग बचाया, बहुत ज्यादा परेशानी हुई इंडिया गेट को लेकर, लाल किले को, जहां पर देखा गया कि कई पुलिस वालों को आपस में पीट दिया। जय जवान जय किसान हमारे देश का नारा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया। आज जवान भी सामने था, किसान भी सामने था, किसान भी घायल हुआ, जवान भी घायल हुए। कई बार हमने ये देखा कि जवान भी वहां पर खड़ा है, उसका पिता किसान भी वहां पर खड़ा है, सिचुएशन ऐसी थी वहां पर। किसी ने अब आज तक अपनी ये कहा किसान पिटे, किसी पत्रकार ने दिखाया कहीं पर? नहीं दिखा रहे, सिर्फ पुलिस पुलिस वाले लठ मारते हम दिख रहे सुन, कोई पत्रकार ये नहीं दिखा रहे अभी किसान भी पिटे। हमारे ट्रैक्टर भी तोड़े गए हैं, इन्होंने गलत रास्ता दिखाया, इन्होंने गलत वहाँ चलाया। ये बताओ ना, 500-200 किसान अंदर बढ़ गए लाल किले में, जब ज्यादा इकट्ठे, जब पुलिस ने काट दिए, पहले क्यों नहीं मोड़े?
रास्ता ही नहीं देखा पुलिस ने, उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं ने भड़काया। किसी किसान सच्चे किसान का कोई हाथ नहीं वहां पर, ये हिंदुस्तान का धर्म है किसान कभी जो धोखा। अरे ये किसान जो धरती माता सीना पार करके हरेक जीव जंतु का अन्न खवाता, हरेक जीव जंतु को वो धोखा देगा, आपके प्रति को धोखा देगा, ये धोखा किसान कभी काम छोटा काम कभी किसान नहीं करेगा। आप लोगों को लगता है कि जो लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने उड़दंग किया था और जिस तरीके से नजारा था इंडिया गेट का, लाल किले का, बहुत ही ज्यादा जो सोच से परे था, क्योंकि हम लगातार किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं जो कई महीनों से यहाँ पर बैठे हुए, हम रात को भी कवर हमने किया, लेकिन इस तरीके का माहौल नहीं देखा जिस तरीके से इंडिया लाल किले में देखा और आईटीओ में दिखा। लाल किले में और आईटीओ में जो माहौल था वहाँ पे किराए के लोग थे, न पुलिस ने लाठियां मारी न किसानों ने मारी, पुलिस की वर्दी में आरएस के लोग थे, किराए के टट्टू थे, उन्होंने पुलिस को भी लाठियां मारी है, किसानों को भी लाठियां मारी है, न पुलिस ने मारी है न किसानों ने मारी है। बीच में लोग थे, बुलेट वाले लोग पटाखे छोड़ते जा रहे थे वहाँ पे। आज भी पश्चिम बिहार थाने में, नांगलोई थाने में, अगले थाने में आज भी बिहारी पकड़े गए हैं, आधे को छोड़ रहे आधे आज भी वहाँ पकड़े गए। दीप सिंधु का नाम आया, दीप सिंधु आप लोगों के बीच में मौजूद था और कहा जा रहा था कि वो आगे की जो बातें हैं वो किसानों को बोल रहा था कि लाल किले की तरफ जाओ, लाल किले की तरफ जाओ। दीप सिंधु के बारे में क्या कहेंगे? दीप सिंधु के बारे में क्या कहना था, ये लड़ाई पूरे भारत की थी, दीप सिंधु भी उसका भारत का हिस्सा था। जब तक नकलची की मुंह का चेहरा नकाब नहीं उतरता, जब तक पहचान नहीं होती है तो भारत का हो, अब उसका चेहरा उतर गया, पता चल गया वो क्या था, दीप सिंधु। अब आ जाओ ना दीप सिंधु, उसने 25 तारीख को सिंधु बॉर्डर पर हंगामा जो किया है, किसान था तभी तो किया, आज कहा दीप सिंधु, पुलिस को नहीं मिल रहा, ये आज स्टेज पर आके दिखाओ, किसानों के बीच में आके दिखाओ। अच्छा, ये कल का जो माहौल था गाजीपुर बॉर्डर का, बाबा आपसे पूछेंगे, जिस तरीके से पूरा नेशनल मीडिया दिखा रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर में भारी संख्या में जवान तैनात है, बॉर्डर खाली किए जा रहे हैं, हालांकि जो चिल्ला बॉर्डर था वहां पर भी किसान थे वो खाली करके चले गए, वो बैकफुट पर आ गए, क्या कहेंगे किसान आज भी मजबूत खड़ा है उसी तरीके से? देखिए जी, उस टाइम मैं टीवी देख रहा था अपने घर पे बैठा हुआ, मेरा पास में ही गांव है रेवाड़ी खेड़ा। कहाँ के, कहाँ, नाम क्या है आपके? ये दलाल खाप तुरासी का जो लगा हुआ है इसी के अंडर मेरा गांव आता है रेवाड़ी खेड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदपाल सिंह है और मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ, एसआई। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं, तो इनके परिवार में दिल्ली पुलिस में और भी लोग होंगे? हाँ, मेरे सारे, मेरा लड़का दिल्ली पुलिस में है, मेरा छोटा भाई दिल्ली पुलिस में, उससे छोटा भाई दिल्ली पुलिस में। अच्छा, आप ये बताइए, जय जवान जय किसान, जवान सामने किसान सामने, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कई बार सिचुएशन ऐसी आई है कि पिता किसान वहां पे खड़ा है, बेटा जवान वहीं पर खड़ा है, उसको सिचुएशन का समझ नहीं आ रहा था किसको मारे क्या करे। ये बीजेपी वालों की शुरू से नीति रही है, पहले इन्होंने गोधरा कांड करवाया, उसके बाद भाई भाई को लड़वाया, कई धार्मिक विचारों को लड़वाया, इनका काम शुरू से रहा है एक दूसरे को लड़वाना और राज करना, ये हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जब मोदी के आंखों में ये अपना राकेश टिकैत के आंखों में जब आंसू आ गए और फोर्स वहाँ पहुँच गई थी उसको गिरफ्तार करने के लिए, जब उसने एक बात कही थी, भाई मुझे गिरफ्तार करो लेकिन मेरे जो बच्चे तुमने अंदर कर रखे उनको छोड़ो पहले, नहीं तो मैं गिरफ्तार नहीं हूँ, मेरे को गोली मार सकते हो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसलिए हमारे हरियाणा में भी रात को मीटिंग हुई हमारी पंचायतों की, रात को हमारी पंचायतों कभी मीटिंग नहीं होती है, 12 बजे के बाद मीटिंग हुई, पूरा हरियाणा उठ के टिकट के साथ आ गया। तो आप देख सकते हैं ये एक बुलंद आवाज थी, आंसुओं का सैलाब था जिसने पूरी बिरादरियों को, सारी 36 बिरादरियों को इकट्ठे ला दिया है। आपको एक बार यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगी, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बुजुर्ग किसान हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल जो एक मैसेज गया था, चाहे वो वेस्टर्न यूपी की तरफ गया, चाहे वो हरियाणा की तरफ गया, चाहे वो पंजाब की तरफ गया, आज किसान एकजुट नजर आ रहा है। जो कल शाम तक लग रहा था कि किसान आंदोलन कहीं फीका नजर आ रहा है, दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हालात यहाँ पर आपको ऐसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि किसान जो है वो एकजुट हो गया। अब आप ये बताइए, ये आप कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा विजय पहलवान, गांव मानरोठी। अच्छा, ये बताइए, आज कुछ लोग यहाँ पर आए थे, कह रहे थे टिकरी बॉर्डर खाली कराओ और अपने तिरंगे के अपमान नहीं सहेंगे, आपने भी देखा, क्या कहेंगे आप? वो आए थे सारे मोदी सरकार के थे, थोड़े 500-400 आदमी थे और फिर हमारे आदमी आए, वो देख के फिर वापिस भाग गए। अच्छा, ये अगर हम बात करें आगे आने वाले दिनों की, बाबा क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आप में तजुर्बा भी है, उम्र का बहुत सारे पड़ाव आपने देखे, क्या ऐसा माहौल देखा था कि किस तरीके से किसान और जवान सामने सामने आपस में लड़ रहे हैं? ये माहौल हमने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है, देखा नहीं सुना है,
सुना देखा भी नहीं, पर जो आप जो कहो थो ना जवान और किसान, ये आज इस राज में मोदी के राज में किसान का नारा नहीं, इसे ये बुलाते हैं जवान और हिंदुस्तान। किसान का तो नाता ही तोड़ दिया से बीजेपी ने, किसान का नाता तोड़ दिया मोदी ने, अमित शाह ने, ये नाम मामले के इनके मुँह तो कभी सुना नहीं, जय जवान और जय किसान का। अच्छा पापा आगे की, अच्छा भी जय जवान जय हिंदुस्तान, किसान का नाता है तोड़ दिया। आगे की रणनीति क्या रहेगी? जैसे आपके चेहरे पर गुस्सा देख रहा हूं, आपका चेहरा लाल है। कल राकेश डिकैत जी का भी ऐसे ही गुस्सा था, अपना जो उन्होंने अपने भाव थे वो उनकी आंखों के जरिए निकल गए, लेकिन आवाज में आ सारे किसान इकट्ठे हो गए, ये किसान एकता है। देखो पहली बात तो इन महाभारत बना दिया के, तो महाभारत में सुनी थी काका बेटा भतीजा पोता दादा लड़ते, अरे ना कर दिया वो एक काम, और मारे आवाज तैयार है, मारे भाई की आख्या मासू आए हैं, जिस बड़ो कहेगा वह बड़ो ओ जनियों का कहना भाई मरना है तो मरांगे, और जनियों का ना भाई चलो और तो चल लेंगे। क्या कहेंगे ये कहेंगे जी, मतलब इतने राकेश टिकैत की तो आंखें मासू आए ना, एक का सुबह बदला लिया जाएगा और इतने कानून वापिस नहीं होंगे, इतना मैं से नहीं जाएंगे, कानून वापसी पर घर जाएंगे, जब तक से मरना मंजूर है यहाँ कानून वापिस करके ही घर जाएंगे, एनएसपी लागू करवा कर ही जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग है हमारे हिंदुस्तान के, इन्होंने कई वर्ष देखे हैं हिंदुस्तान के, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा समय नहीं देखा जब आपस में बाप बेटा सामने आमने सामने खड़ा है लड़ाई करने के लिए। इन्होंने कहा कि कानून वापस करके ही दम लेंगे। आप देख सकते हैं जिस देश के बुजुर्ग ऐसे हों, जिस देश के किसान बुजुर्ग ऐसे हों, तो हमारी युवा पीढ़ी कैसी होगी। हम यहाँ पर कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आप बताइए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र कहाँ के रहने वाले? गांव छारा। अच्छा ये बताइए जिस तरीके से कल माहौल बना था, दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था किसान आंदोलन, लेकिन आज नहीं, आज ऐसा माहौल दम कल भी नहीं तोड़ा जी किसी ने भी। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि गाजीपुर बीजेपी वाले थे ना, ये अपना प्रोपगंडा कर रहे थे जी, किसी कोई किसान ने दम नहीं तोड़ा, सब और जोश होया है। कई किसान नेता इसमें बैकफुट पर भी आए, गाजीपुर में देखा गया कि कई लोगों ने आंदोलन वापस होया है जी, उसको लाइट काटने के और वो पानी रोकने से मरा है, हड़कम सा मच गया जी, प्यास लगी कोई पानी पीने चला गया, इसलिए मरा है, बकड़ा से गए, आग भी जलाई है और वो फिर भी बाहर आए हैं, कुछ जिसको टेस्ट लग रही थी नहाने का वो था या कुछ घूमने का वो था, बस इसलिए थोड़े खाली गए थे, वरना कोई किसी की वो नहीं थी। आगे की रणनीति की बात करें आपके, रणनीति है जी हमारे जितने प्रधान हैं हम उनके साथ हैं, वे जो कुछ कहेंगे हम उसका पालन करेंगे, वे चाहे हमें मरवाए या हमें किसी भी तरीके रखे हम उसके साथ हैं। ये बताइए पंचायतें वापस दोबारा दिल्ली की तरफ हो गई रुख सब पंचायतों का? आगे के लिए हम ये कह रहे हैं तीनों कानून एमएसपी लागू नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये किसान एकता है जो आपको साफ यहाँ पर नजर आएगी, और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम थके नहीं हैं, हम अपनी जो मांगे हैं वो मनवा के आगे जाएंगे। मैं एक बार यहाँ का दृश्य आपको दिखाऊं, और डटे रहेंगे तब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, मरते दम तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे लड़ेंगे और लड़ेंगे। और देख सकते हैं इन्होंने कहा लड़ेंगे 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 और कानून वापस करवा के ही जाएंगे। अभी हम टिकरी बॉर्डर से हैं, हम यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन विजय से मैं गुजारिश करूंगी कि एक बार जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर दिखाएं, और लोगों के हाथ में तिरंगा है, तिरंगा हमारे देश की शान और आन। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, और कई दिन हो चुके हैं, उम्मीद इतनी सी है कि जो इनके ऊपर कानून थोपा जा रहा है उसको वापस लिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप सब जुड़े रहिए इंडियाज 18 के साथ। नमस्कार।